नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर, इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आई हैं। बहुत अच्छी खबर है, बम्पर वैकेंसी हैं ये। दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन जानना चाहिए और इसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, पूरे अंत तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसी जो आई है, देखते हैं आपको पढ़ के बता देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वेरियस कैटेगरी कैडर पोस्ट्स अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2018-19 इन द यूपी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट इलाहाबाद। द कैंडिडेट्स मे अप्लाई फॉर वन देन फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड, बट दे विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड। कहने का सीधा मतलब है कि आप दो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस आपको अलग अलग देनी होगी सबके लिए। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज पोस्ट कोड वाइज आर गिवन बिलो, वैकेंसीज की डिटेल नीचे है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर का देख लेते हैं। पोस्ट कोड वन में स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, कैटेगरी इसकी सी है। इसमें ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी एलॉन्ग विथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। कुल मिला के ग्रेजुएशन मांगे हैं और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, और या फिर ग्रेजुएशन नहीं है तो स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा है आपका। टोटल 412 वैकेंसी, इसमें एज जो मांगे हैं 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए आपकी। उसके बाद एक पोस्ट कोड टू है, इसमें जो है क्लर्क के कैडर की है, ये पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है, पेड अप्रेंटिस की है। जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस क्लर्क टाइप की पोस्ट ये, तो इसमें ट्रिपल सी है प्लस इंटरमीडिएट ट्रिपल विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाई डोएक सोसाइटी एंड 25-30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश हिंदी टाइपिंग। तो टाइपिंग आपकी है इंटरमीडिएट होना चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश की 25, इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट। और इसमें जो वैकेंसी टोटल हैं वो 1484 हैं, 18 से 40 इसमें एज मांगे हैं। आगे है ड्राइवर की पोस्ट, ड्राइवर की भी ग्रुप सी के अंतर्गत रखी गई है, और इसमें जो है हाई स्कूल अलॉन्ग विद ड्राइविंग लाइसेंस टू ए ड्राइव फॉर ड्राइव ए फोर व्हीलर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स। कुल मिला के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हाई स्कूल की योग्यता हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कम से कम 3 साल से ऊपर हो। इसमें 40 पोस्ट हैं टोटल, 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे ग्रुप डी की बात आती है, तो ग्रुप डी में जो पहली है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, इलेक्ट्रीशियन की, तो उसमें जूनियर हाई स्कूल विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कुल मिला कि इसमें आईटीआई आपके पास इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए, 8वीं पास हो प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस सर्वे की है, तो हाई स्कूल इसमें होना चाहिए। उसके बाद ऑर्डरली प्यून है, तो उसमें जूनियर हाई स्कूल 8वीं पास है कुल मिला के। और उसके बाद चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिस्ती, लिफ्टमैन, इसके लिए जूनियर हाई स्कूल, और स्वीपर के लिए 6वीं पास होना चाहिए। इसमें टोटल ग्रुप डी की जो है 1559 वैकेंसी हैं। द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर एंड कैटेगरीज, द रिजर्वेशन फॉर द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट एंड द अदर कैटेगरीज ऑफ यूपी सेल बी सच एज में बी स्पेसिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशूड इन द बिहाफ ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अडॉप्टेड बाई द हाई कोर्ट। कुल मिला के रिजर्वेशन की बात की गई है, जैसा कि स्टेट में यूपी में चलता है वैसा ही समय समय पर जो अगर बदलाव होगा तो बदलाव, लेकिन जो चलता है रिजर्वेशन उसी तरह रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। आगे लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव 6/12/2018 से 26/12/2018 6/12/2018 से 26/12/2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट फीस जो है, जो एक नंबर और दो नंबर की पोस्ट कोड है, तो उसमें 500 रुपये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और 400 रुपये एससी एसटी के लिए सबके लिए, और 3-4 के लिए है 400 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 300 रुपये एससी एसटी के लिए। एक और दो में वो आती हैं स्टेनोग्राफर की और क्लर्क की, और जो 3-4 है उसमें ड्राइवर की और ग्रुप डी की पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 500, 400 और 400, 300 ये
फीस है इसकी। और उसके बाद OMR पर एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग जो होगी, टाइपिंग की बात अलग है। उसके बाद पहले OMR पर एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग लिया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट टाइम एंड वेन्यू एग्जामिनेशन टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल कार्ड्स एडमिट कार्ड। तो आगे एडमिट कार्ड के बारे में दिए हैं कि एडमिट कार्ड आएगा आगे। द कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन प्रोसीडर ऑफ एग्जामिनेशन जनरल इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शैल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स इन द डिटेल एडवर्टीजमेंट विच विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो जो बाकी डिटेल है कैसे अप्लाई करना है, वो आगे की पूरी डिटेल क्या है, वो आपको इलाहाबाद की वेबसाइट हाई कोर्ट की वेबसाइट में जल्द ही दी जाएगी। आगे ये पूरी डिटेल हिंदी में दिए हुए हैं, सेम डिटेल है पर पूरी हिंदी में दिए। आपको दोबारा बता दूँ कि जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है लगभग 412 संभावित है। उसके बाद जो ग्रुप सी की है स्टेनोग्राफर के बाद जो ग्रुप सी की क्लर्क की और पेड अप्रेंटिस की, उसमें 1484 टोटल पोस्ट हैं। ड्राइवर के लिए 40 पोस्ट हैं और ग्रुप डी के लिए टोटल 1559 संभावित हैं। इसमें घटेंगे तो नहीं लेकिन बढ़ जरूर सकते हैं आगे चल के ये पोस्ट। आपकी डेट जो आएगी वो 6/12/2018 से 26/12/2018 तक की डेट होगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप इस वीडियो को देखिए, आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।